अमेठी, आटा चक्की के फटने से अधेड़ की मौत, दो बच्चे समेत आधा दर्जन घायल। जिले के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव पूरे मिर्जा दादरा में रविवार दोपहर ट्रैक्टर संचालित आटा चक्की के फट जाने से 8 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना पहुंचाया गया, जिसमें एक महिला व एक घायल अधेड़ की हालत नाजुक देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय अधेड़ की मौत हो गई। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गांव गाजनपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह पुत्र केशव प्रसाद सिंह उम्र लगभग 52 वर्ष रविवार ट्रैक्टर संचालित आटा चक्की लेकर गांव पूरे मिर्जा दादरा पहुंचे थे। दोपहर के वक्त जैसे ही ट्रैक्टर संचालित आटा चक्की चलाया वैसे ही जोर की आवाज के साथ वह फट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आटा चक्की से ब्लास्ट हुए पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े से ट्रैक्टर आटा चक्की चालक धर्मेंद्र सिंह निवासी गाजनपुर व पूरे मिर्जा दादरा निवासी जसोदरा पत्नी रामराज चौहान 40, कल्पना पुत्री देवराज चौहान 7 वर्ष, रमेशर पुत्र राम रतन 50 वर्ष, सुमन पत्नी शिव बहादुर 35, रूबी पुत्री राम बहादुर 7 वर्ष, श्रीमती पत्नी तेज बहादुर 40, संतोषा पत्नी राम बहादुर 35 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र सिंह व सुमन की हालत नाजुक देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र सिंह की मौत हो गई। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। आठ में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? चार महिला, दो पुरुष, दो बच्चे। तो आप लोग अस्पताल गए, कैसे गए अस्पताल? एम्बुलेंस का बुलाई गई है तो गए हैं। मुसाफिर खाना में दवा पट्टी सब भई है और दो जने का, एक महिला एक पुरुष का सुल्तानपुर ट्रांसफर किए हैं। हमका सब कहे मतलब लौटा दें।